हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में, और विश्वास करता हूं कि जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं उन वीडियोज़ के द्वारा आप सबको परमेश्वर के वचन में चलने में मदद मिलता है और आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, यह हम विश्वास करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही अच्छा वीडियो है एक मसीह व्यक्ति के लिए। आज के वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप अपने आप को बहुत अच्छे से परख पाएंगे और प्रभु के वचन में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार वचन की कमी के कारण, वचन के ज्ञान की कमी के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो जाते हैं, ना सच्चाई नहीं पता होने के कारण कई बार मसीह लोग अनजाने में ही, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता और वो गलत रास्तों पर चलने लगते हैं, वो गलत चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। उनको लगता है कि जो हम फॉलो कर रहे हैं, जिन बातों को हम मान रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। नहीं प्रियो, कई बार आपके और हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी अलग नहीं होता है। परमेश्वर का वचन हमेशा सच्चा होता है, इसीलिए वचन को समझने की कोशिश करो। और आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जिससे जानने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि यीशु मसीह कहाँ रहते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर किस जगह पर रहते हैं। ये बात बताने के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को कहाँ ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, कलीसियाओं में ढूंढते हैं, यीशु मसीह के जो मंदिर कहलाए उस जगह पर ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, बाइबल से आज हम देखेंगे क्या सच में यीशु मसीह कलीसियाओं में जो बिल्डिंग है। कलीसिया का मतलब समझिए, सबसे पहली बात, चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होता है, चर्च का मतलब होता है पवित्र लोगों की संगति। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, उस जगह को कलीसिया या चर्च कहा जाता है। कोई घर या बिल्डिंग जो दिखता है आपको पत्थर का, ईंट का बना हुआ, वो चर्च यानी कि वो बिल्डिंग यीशु का घर नहीं होता है, यीशु मसीह की जगह वो नहीं है। क्योंकि मनुष्य के बनाए हुए भवन में परमेश्वर को कोई रख ही नहीं सकता, परमेश्वर को क्या दे सकता कोई मनुष्य बनाकर। इसीलिए आज बाइबल के आयतों से हम देखेंगे कि क्या सच में परमेश्वर उन मंदिरों में रहता है, उन भवनों में रहता है जो इंसान बनाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, वहां सिर्फ पवित्र लोग मिलकर संगति करते हैं, और जहां पवित्र लोग मिलकर संगति करते हैं उनके बीच में यीशु मसीह रहते हैं। लेकिन जब संगति नहीं होती है, जब संगति चर्च नहीं लग रहा, मान लीजिए संडे को सब इकट्ठा होते हैं, अगर संडे को सब इकट्ठा नहीं हो रहा है तो क्या यीशु आपके साथ नहीं है? बिल्कुल आपके साथ यीशु है, लेकिन किस प्रकार से वो आपके साथ यीशु रहेगा वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर पवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार पाते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सबसे पहली चीज, ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। इस क्लियरली बाइबल में ये लिखा गया है, किसी बिल्डिंग के बारे में नहीं लिखा गया है, यहां पर खुद आपके बारे में और हमारे बारे में लिखा है जिन्होंने उद्धार पाया है, उन लोगों के बारे में क्या लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर वास करती है। ये वो मंदिर है, हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। इस बात को जानिए, साफ साफ प्रभु के वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आपके अंदर रहे, वो चाहता है कि परमेश्वर आपके शरीर में, आपके पवित्रता वाली शरीर के अंदर रहे, आपके अंदर रहे। इसीलिए जरूरी है हर एक व्यक्ति खुद को पवित्र करे, खुद को परमेश्वर के योग्य बनाए। आप देखिए कलीसिया में जब आप जाते हैं वहां कितनी शांति है, कितने लोग आकर वहाँ प्रार्थना करते हैं। कलीसिया की खूबसूरती देखिए, उस जगह की नहीं बता रहा हूँ, उस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पवित्र लोग बैठते हैं, उस जगह की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी जगह हो। वहाँ पर देखिए कितनी शांति से लोग बैठते हैं, कितने शांति से वचन पढ़ते हैं, कितने शांति के साथ वहाँ पर माहौल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जगह पर परमेश्वर होता है। लेकिन जब आपका शरीर भी इसी तरह का होगा, आपके शरीर में शांति होगी, जहां पर प्रार्थना है आपके अंदर, अगर प्रार्थना, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और आपके अंदर शांति, प्रभु की शांति है, तो आप परमेश्वर के मंदिर हैं और आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। इसीलिए परमेश्वर को किसी बिल्डिंग में ढूंढने से ज्यादा अपने अंदर खोजिए, अपने अंदर ऐसे चीजों को आप लाइए ताकि परमेश्वर आपके अंदर आकर बैठ सके, आपसे बातचीत कर सके। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को पवित्र करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। जैसे चर्च में किसी बिल्डिंग में जब आराधना करते हैं लोग, इकट्ठा होते पवित्र लोग, वहां पर सिर्फ
परमेश्वर की बातें हो रही होती हैं, परमेश्वर की आराधना हो रही होती है, यही सारे काम आपके शरीर के अंदर होना चाहिए। आपके शरीर में निरंतर परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, निरंतर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ने वाले होने चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आप महसूस कर पाएंगे। इस मंदिर को समझिए कि आपका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। यदि आप उसको पवित्र रखते हैं तो परमेश्वर उसे वास करेगा। देखिए मेरे प्रियो, अगर आप उसको नष्ट करेंगे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और उसके 17 आयत कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए और वो तुम हो। अगर अपने आप को आज भी आप बुराइयों में रखते हैं, गलत चीजों में रखते हैं, नशे में रखते हैं, व्यभिचार में रखते हैं, तो आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। यही वो मंदिर है जहां पर यीशु रहता है। इसीलिए उन बिल्डिंगों में यीशु नहीं रहता जहां पर आप सोचते हैं, यीशु तो आपके अंदर रहना चाहता है। क्या मेरे प्रियो, आप यीशु का मंदिर बन पाए अभी तक? क्या आप उस लायक काम कर रहे हैं कि यीशु आपके अंदर वास कर सके? या आज भी आप उन मनुष्य के हाथों के बनाए हुए बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर यीशु मसीह को ढूंढने जा रहे हो? देखिए वहां पर जाकर आप लोगों के संग संगति तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर नहीं बनोगे, अगर आपका शरीर परमेश्वर के योग्य नहीं बनेगा, तो उस भीड़ में जाकर आराधना करने से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर तो स्वयं आपके अंदर रहना चाहता है, परमेश्वर तो आपके द्वारा अपने बातों को आपके अंदर रखना, आपके अपने आप बोलना चाहता है, आपके अंदर से बात करना चाहता है। ये आपको देखना होगा। और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19 आयत में भी इसी बात पे लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर कह रहा है, ये जो मंदिर तुम्हें दिया गया है, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। यीशु मसीह पे विश्वास के करने के कारण आपका पापमय शरीर परमेश्वर का मंदिर हो गया है, और ये आपके कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इसीलिए आपके शरीर को परमेश्वर ने मंदिर का दर्जा दिया है। लेकिन इस मंदिर को अगर आप नाश करेंगे, बुराइयों में रहकर इस मंदिर को खत्म करेंगे, तो मेरे प्रियो याद रखिएगा, एक दिन परमेश्वर भी आपको उठाकर नरक में अनंत काल के लिए समाप्त कर देंगे, जहां तड़पना, रोना, दांत पीसना, और वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। उस जगह पे आप पहुंच जाएंगे। मत जाइए उस जगह पे, आज ही परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करिए, क्योंकि यीशु मसीह यहां रहता है, इस मंदिर में रहना चाहता है जो आप खुद हैं। और आगे 20 आयत कहता है, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। क्या आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या आपके देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? इस मंदिर के द्वारा जो आज मसीह लोग खुद इस मंदिर को मिटाने पर तुले हुए हैं, आज परमेश्वर का मंदिर जो आपका देह है, इसे खुद मसीही लोग मिटा रहे हैं। खुद आप अपने मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को खत्म कर रहे हैं। कैसे? पाप में जीवन जीकर, पाप करके आप परमेश्वर के मंदिर को आज खत्म कर रहे हैं। आप तोड़ रहे हैं उसके मंदिर को, आप विध्वंस कर रहे हैं उसके मंदिर का। आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को ढा दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, यही वो मंदिर है जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है, और आप खुद उस मंदिर को तोड़ने वाले हो। इसीलिए गौर करिएगा कि आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर क्या जवाब देंगे जब परमेश्वर आपसे पूछे, क्या तूने उस मंदिर को नहीं गिराया जिसको मैंने तुझे दिया था? मेरे प्रियो, आप भी वही काम कर रहे हैं जो पहले, आज से कई हजार साल पहले लोगों ने परमेश्वर के मंदिर को गिराकर यरूशलेम में किया था। आज आप वही कर रहे हो। आप अपने मंदिर को, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, खुद के शरीर को आप नाश करके परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मसीही खुद जिम्मेदार है, मसीही लोग खुद जिम्मेदार है परमेश्वर के मंदिर को गिराने के लिए। क्या सच में आज आप परमेश्वर का मंदिर गिरा रहे हो या नहीं गिरा रहे हो, ये जांचने का विषय है। परमेश्वर के मंदिर को आप तोड़ रहे हो या नहीं तोड़ रहे हो, ये देखना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आज हम देखते हैं तो पाप में जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी। इसका मतलब परमेश्वर के मंदिर को मसीही लोग मिलकर तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता कि आप मंदिर को बनाएं, पवित्र बनाएं, ताकि परमेश्वर सदा के लिए उसमें वास करे और आपके साथ रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। देखिए, परमेश्वर का मंदिर तोड़ने वाले आप हैं कि कोई और?